अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मोहिनी, अब तुम्हारा खेल खत्म। मोहिनी जी, जी। ये क्या किया तुमने? ये क्या हो गया बाबू? पर तुम खुद को ठीक तो कर सकती हो ना? कर सकती हो ना? ठीक, प्लीज करो ना, प्लीज प्लीज करो। और ये क्या हो रहा है? मैं अच्छा तो कब नहीं कर। क्यों क्यों? इस चंद्रास के चलाने के बाद उसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो मैं नहीं जानता। इस अस्त्र से शक्ति खत्म हो जाती, शायद हमारी शक्ति भी खत्म हो गई। हम खुद को ठीक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सब क्या लगा रखा तुमने? क्या लगा रखा मतलब? मैंने क्या किया? तुम्हारी बीवी आई थी मुझ पर हमला करने के लिए और खुद उसके ऊपर हमला हो गया, खुद घायल हो गया। उसके बाद तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी ने उसे छुआ था, पत्थर की बन गई। बकवास बंद करो अपनी। मैं अच्छे से जानता हूँ ये सब तुम्हारा किया था। और बताओ मेरी बच्ची को कहाँ भेजा तुमने? मैंने किया? तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी दूसरी दुनिया में गई है। तुमने किए की सजा भुगतोगी, तुमने किए की सजा भुगतोगी तुम। लेकिन अभी मुझे पारो को ठीक करना होगा। पारो ही अपनी शक्तियों से बुलबुल को वापस ला सकती है। Thank you.
और उसके बाद वहाँ जम के बर्फ गिरी। स्नोफॉल? स्नोफॉल। माँ, ये स्नोफॉल कैसी होती है? बहुत खूबसूरत, जैसे कि भोलेनाथ का कोई चमत्कार हो। हम एक काम करेंगे, आपके पापा से बात करेंगे कि इन छुट्टियों में हम पहाड़ों पे घूमने जाएं, वहाँ आपको स्नोफॉल दिखेगा। माँ, मैं तो आपको स्नोफॉल यहाँ भी दिखा दूँ। वो कैसे? आपको कोई जादू आता है क्या? हाँ, अपनी आँखें बंद करो, मैं अभी आपको स्नोफॉल दिखाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। बहुत बदमाश हो गई। मैं हमेशा आपके और पापा के साथ स्नोफॉल देखना चाहती थी। स्नोफॉल यहाँ है, लेकिन आप दोनों यहाँ नहीं हो। अब मैं आपसे हमेशा के लिए दूर हो गई हूँ। बर्फीले पहाड़ों पर भी लोग रहते हैं, बर्फ के घरों में। बर्फ का घर? ठंड से बचने के लिए इग्लू। ये देखिए, इन्हें इग्लू कहते हैं, ऐसा दिखता है। इग्लू? बर्फ से बचने के लिए। एक सेकंड बेटा। अरे देव, बेटा ये इतने बड़े बर्फ के सिल्ले लेके कहाँ जा रहे हो? मैं वो दरअसल क्या है ना कि मुझे मुझे गर्मी लग रही थी, मेरे कमरे का एसी भी काम नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि बर्फ के सिल्ले ले जाता हूँ और वो कूलर के अंदर बर्फ डालता रहूंगा ताकि कमरा ठंडा रहे। अच्छा, ये बुलबुल और पारो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गए दोनों? पार्टी भी खत्म हो चुकी है और बुलबुल के फ्रेंड्स भी चले गए हैं। वो दरअसल क्या है ना कि बुलबुल की दोस्त उसको छोड़ने गई पारो। दोस्त की मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि वो आ नहीं सकती है उसको लेने के लिए, तो फिर पारो ने कहा कि मैं छोड़ने चली जाती हूँ। बुलबुल जिद करने लगी तो फिर दोनों साथ में गए। आते ही होंगे, आप चिंता मत करो। हाँ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। बुलबुल कहाँ है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां पारो मुसीबत में, वहां बुलबुल। और प्लीज 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 प्लीज
कोई उपाय बताओ, कोई रास्ता बताओ, कोई इशारा दो, कैसे तुम्हें बचाऊं मैं, कैसे बर्फ की सिली से बाहर निकालूं मैं तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुन पा रहे देव, तुम तक हमारी आवाज आ रही है? देव, देव हमें सुन पा रहे हो तुम? देव, देव कुछ कहो, हम तुम्हें सुन सकते हैं, कुछ कहो देव, देव हमारी आवाज आ रही है? देव, देव हमें सुन पा रहे हो? देव, देव कैसे बाहर निकालो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा, मां वापस कैसे आएगी? पता नहीं बेटा। बेटा, मेरी बात सुनो, घबराओ मत, आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा आपकी माँ को, आपकी माँ जल्दी जल्दी वापस आ जाएगी और बिल्कुल सही सलामत वापस आएगी। चिंता मत करो। क्या करूं? ऐसा किया तो गर्म पानी शायद आपके माँ के शरीर को लग सकता है और फिर उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्या करें पापा? एक और तरीका है हमारे पास बेटा। नहीं नहीं, रुक जा पापा, कहीं हथौड़े से माँ को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी ना? फिर और क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे बेटा, कैसे निकाले हम पारो को बाहर सही सलामत। धूप? हाँ बाबा धूप, इससे बर्फ जल्दी पिघल जाएगा और माँ को नुकसान भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच बेटा।
पारो का गई। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पारो, कहीं पारो को किसी ने, पापा, माँ तो कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई वो? बेटा मेरी बात सुनो, माँ को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ को, I promise, कुछ नहीं होगा। मैं माँ को जल्दी वापस लेके आता हूँ। आप एक काम करो, आप अब घर के अंदर जाओ और किसी भी कीमत पे प्लीज बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात, घर में किसी को मत बताना इसके बारे में, प्लीज। आप चिंता मत करो पापा, बस आप माँ को लेके वापस आ जाओ। प्रॉमिस, जाओ। ये सब मोहिनी आंटी ने किया है, जरूर उन्हें पता होगा कि माँ और बुलबुल का है। लो भैया, ले आए आपकी बर्फ। अच्छा हुआ तुम दोनों बर्फ ले आए, हमारे पास ही आखिरी टुकड़ा बचा था। अब जाओ जल्दी से इस बर्फ की सिल्ली के टुकड़े करके हमें दो। ठीक है। भोलेनाथ, अब क्या करें? रक्षा कीजिए हमारी, ये गोले वाले तो हमारे टुकड़े कर देंगे। रक्षा कीजिए भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। मदद कीजिए भोलेनाथ, क्या कर? मदद कीजिए भोलेनाथ, हम अपने बच्चों के पास जाना है, अपने देश के पास जाना है, हमारे परिवार के पास पहुंचा दीजिए ना भोलेनाथ। ले जा सकते हैं ये लोग पारो को? बुलबुल, सरगम, कहां ढूंढू पारो को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लो भैया, पारो भी तो बर्फ की सिली में थी ना कहीं। नहीं 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 नहीं, बच्चों ये बर्फ का गोला कहाँ से लिया आप लोगों ने? ये पीछे गली में चच्चू गोले वाला, वहां से लिया। आगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ पारो, मैं आ रहा हूँ पारो। मैंने खुद को बचा लिया, पापा पर मुझ पे बहुत प्राउड फील करेंगे। ये किसने मारा? बैटमैन? कहीं बैटमैन मुझे मारने तो नहीं आया? शायद सिर्फ दिखने में क्यूट है, कहीं ये खतरनाक निकला तो?
बर्फ की सिली कहाँ से ली आपने? गोला खाएंगे, बनाते। देखिए आप सिर्फ बर्फ के बारे में बताइए, मुझे गोला नहीं खाना है। भाई साहब, आपको गोला खाना है तो गोला मांगो, बर्फ से का लेना देना। देखिए कहीं कहीं ये बर्फ की सिली आप मेरे घर के पीछे वाले गार्डन से तो नहीं लेकर आए? तो प्लीज वापस कर दीजिए मुझे। मेरे घर के पीछे वो बड़ी बड़ी बर्फ की सिली पड़ी थी, ये वही है ना? अरे इतनी बड़ी सिल्ली है, इसको बीच में से तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसके छोटे छोटे टुकड़े हो पाएंगे। बात तो सही है तुम्हारी। ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं कर सकती। बचाओ, देव, देव बचाओ, हमें बचाओ देव। चीची, अब उस पारो का क्या होगा? होगा नहीं रंभा, अभी तक तो हो चुका होगा। मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये रंभा के अभी तक तो छोटे छोटे बच्चे उसकी आइसक्रीम बनाकर खा चुके होंगे। सही है चीची। और चीची वो बिद्दी? वो अब कभी वापस नहीं आएगी। रंभा, मैंने उसे जहां भेजा है ना, वहां से वो तभी वापस आ सकती है जब या तो उसे मैं बुलाना चाहूं या फिर वो खुद से वापस आना चाहे। और वो खुद तो वापस आएगी नहीं, अपने परिवार की भलाई के लिए। बुलबुल सही कह रही थी, ये आंटी बहुत गंदी है, लेकिन मुझे कुछ भी करके बुलबुल को वापस लाना होगा। बुलबुल ही माँ को ठीक कर सकती है, क्योंकि उसके छूने से ही माँ बर्फ बनी थी। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? जीजी सही है, आपने कमाल कर दिया जीजी, अब आपके और देव के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। देखो बाबू, वो बर्फ हमने उन मैडम यहाँ से खरीद के लाए हैं, हम आपको वापस तो नहीं देंगे। आप कितने के लेकर आए थे? आप बताइए, हमें बताइए कितने के लेकर आए थे। मैं आपको डबल पैसे दूंगा, ये सारे पैसे आप रखिए ना, मुझे बस ये बर्फ की सिली वापस कर दीजिए प्लीज। ऐसा है ना बाबू, ये पैसे की गर्मी किसी और को दिखाना। ये जरूर वो दूसरी वाली पिद्दी होगी, पिद्दी नंबर टू। आओ तो जरा उसे अपना असली रंग दिखाती हूं। ये सही मौका है। ये गंदी आंटी ने बुलबुल को कहाँ छुपाया होगा? और वो स्नो वर्ल्ड कहाँ था? मिल गया। बुलबुल, तुम क्या इस बॉल के अंदर हो क्या? प्लीज मुझे जवाब दो बहन, माँ को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ बुलबुल। बुलबुल कुछ तो जवाब दो, कुछ भी नहीं हो रहा है। आइस ग्लोब तो बिल्कुल वैसा ही है जिसके अंदर बुलबुल गई थी। नहीं, I'm really sorry. देखिए मैं
पैसे का दोस्त नहीं दिखा रहा हूँ आपको, गलती होगी मुझसे, लेकिन ये बर्फ किसी लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे वापस ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। अरे धंधे का समय है, टाइम मत बर्बाद करो, जाओ यहाँ से। देखिए बर्फ किसी लिए तो मैं लेके ही जाऊंगा, किसी भी हालत में लेके जाऊंगा इसे मैं। ए रुक, पकड़ो उसे, ससुराम रे बर्फ चुराता है। कौन है भाई? अरे 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 क्या जगह है? या तो बहुत ठंड है, या तो कुल्फी जम रही है। नहीं सरगम, तुझे हिम्मत नहीं हारना है, तुझे कुछ भी करके बुलबुल को वापस लेके जाना है। बुलबुल ही माँ को ठीक कर सकती है। बुलबुल, 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 बुलबुल कहाँ?
बूढ़े की बहुत गंदी आदत हो गई हर चीज के बीच में टांग अड़ाने की। जीजी थैंक यू सो मच दादाजी, आपने सही सही समय पर आके पारो को बचा लिया। पारो को बचा लिया? हाँ दादाजी, इस बर्फ की सिल्ली के अंदर पारो है, वो फंस गई है इसमें। ये सब कैसे हुए थे? दरअसल जब हम मोहिनी के कमरे में गए तो देखा कि वहां पर जाके पारो। बस ये मोहिनी हम सबके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। दादाजी आप पारो को बचाने में मेरी मदद कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पारो को इस बर्फ की सिली से बाहर कैसे निकालूं मैं, प्लीज मदद कीजिए मेरी। माफ करना बेटा, पारो को बचाने में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। पारो को हमारी नहीं अपने लोगों की जरूरत है, वही इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन दादाजी हमारे सिवाय पारो का अपना और है भी कौन? पारो के लोग, नाग लोग, बस वही पारो को बचा सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगा कहां? पता नहीं बेटा, भोलेनाथ ही इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। ये कितना खतरनाक है, मुझे बहुत डर लग रहा है बुलबुल, डर तो मुझे भी लग रहा है। जिंदगी की खुशनसीबी है कि एक आम इंसान होने के बावजूद भी मुझे मुझे पारो मेरी जिंदगी में मिले, उसे प्यार करने का मौका मिला मुझे। लेकिन मेरी सीमाओं के चलते मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में, उसे बचा नहीं पा रहा हूं मैं। आप तो नाग देवता हैं, आप चाहे तो उसकी मदद कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। आप हाथ छोड़ के विनती करता हूँ आपके आगे, प्लीज पारो को मेरे लिए बचा लीजिए, उसे सही सलामत लौटा दीजिए मुझे प्लीज। मुझे मेरी पारो वापस लौटा दीजिए।
भोलेनाथ ने हमें आपकी सहायता के लिए भेजा। आप हमें नहीं जानते लेकिन पारो हमें अच्छी तरह जानती है। बताइए किस तरह सहायता कर सकते हैं हम आपकी। देखिए दरअसल पारो पारो के साथ क्या हुआ कि पारो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए हम यहाँ पर आए। क्या आप हमारी मदद करेंगे पारो को बचाने में? अवश्य। पारो हम में से एक है, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिल्ला रही थी, मुझे भूत से बहुत डर लगता है इसलिए मैं दूर भाग रहा था। अरे वो तो मैं तुम्हें देख के चिल्ला रही थी। मुझे, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तो स्नोई हूँ, तुमने ही तो मुझे बनाया है। इसका मतलब हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? हाँ। मेरा नाम सरगम है। बेस्ट फ्रेंड। पर सरगम तुम इस स्नो वर्ल्ड में अकेली क्या कर रही हो? वो मैं मेरी बहन को ढूंढ रही हूँ, मुझे उसको घर ले जाना है, वो मिल नहीं रही है। तुम साथ में ढूंढोगे? हाँ। चलो। आइए आइए। देव बेटा ये दादाजी, ये नाग पुरुष है, अब यही पारो को ठीक करेंगे। ये बर्फ के सिले के अंदर पारो है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज प्लीज बचाइए। बिटिया पारो, पारो नाग पुरुष, लेकिन ये घाव, आप चिंता मत कीजिए, अब पारो पूरी तरह खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आपने मेरी पारो मुझे वापस लौटा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब पारो के अच्छे कर्म और भोलेनाथ की कृपा है। जी पारो, पारो उठो, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक। पारो आराम से, आराम से, आराम से। देख बुलबुल और सरगम, हमारी बच्चियां कहाँ है हमारी? पारो वो बच्चे दरअसल यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? नहीं है मतलब कहाँ है? देव हमारी बेटियां कहाँ हैं? हाँ, हमारी
बुलबुल सरगम मारो बिटिया मारो बुलबुल कहाँ हो तुम बुलबुल बुलबुल कहाँ हो तुम बुलबुल बुलबुल सुनोई वो देखो कैसल कैसल शायद बुलबुल उसी के अंदर होगी चलो देखते हैं चलो बुलबुल बुलबुल प्लीज बाहर आ जाओ हमें वापस घर जाना है बहुत सब परेशान हो रहे हैं बुलबुल बुलबुल कहाँ तुम फिर यहाँ आ गई बुलबुल मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी मैंने कहा ना मैं घर नहीं आऊंगी मैं सबके लिए खतरा हूँ मेरी आंटी की तरह मैं भी अब गंदे मैजिक करती हूँ इसलिए मैं वहाँ आकर माँ पापा की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती तुम जाओ यहाँ से प्लीज माँ पापा को तुम्हारी जरूरत है बुलबुल और तुम खतरा कैसे हो सकती हो सब ठीक हो जाएगा बुलबुल प्लीज मेरे साथ वापस घर चलो वापस घर चले जाओ बात मानो बुलबुल ये हमारे घर नहीं है मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं जिद मत करो बुलबुल तुझे मेरे साथ घर चलना ही होगा नहीं मैंने कहा ना नहीं बुलबुल बुलबुल मेरी बात मान बुलबुल रुक जाओ बुलबुल रुक जाओ मैंने कहा ना जल्दी जाओ वरना वरना क्या मेरी बात सुनो पारो 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 मेरी बात सुनो देखो बच्चे यहाँ नहीं है ढूंढना पड़ेगा ना हाँ छोड़ो हमें पारो बुलबुल पारो बच्चों कुछ समझ में नहीं आ रहा दादाजी चल क्या रहा आखिर आप दोनों यहाँ हैं आपके पापा तो कह रहे थे कि आप दोनों मिल नहीं रही हैं पता है जान निकल गई थी हमारी बच्चे वापस आ गए क्या अरे हमारी बच्चियां बहुत शैतान हो गई हैं अच्छा तो आप दोनों पापा के साथ लुका छिपी खेल रही थी ये पारो को क्या हो गया माँ आप दोनों को बहुत प्यार करती है बुलबुल ये क्या कर तुमने इसे रोको Thank you.
दादाजी नागपुरुष ये मेरे पारो को क्या हुआ? ये सब उस खंजर का दुष्प्रभाव है। उसके वार से पारो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। सरकम बुलबुल भूख लगी है? अच्छा तो हम आपके लिए क्या बनाएं? हाँ क्या खाएंगी आप दोनों बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा दादाजी मुझे। बुलबुल मिल नहीं रही है, सरगम का पता नहीं है। अभी अभी पारो को ठीक किया था और अचानक से उसकी तबीयत। देखिए आप ही हैं जो पारो को ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, पारो को ठीक कर दीजिए प्लीज। देव ने पहले ही पारो को चेतावनी दी थी कि चंद्रा आर से दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी। अब इस दुष्प्रभाव को कैसे ठीक कर सकते हैं उसका हल हमारे पास भी नहीं है। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।